जनपद में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निबंधन कार्यालय में व्याप्त स्टाम्प बिक्री संबंधित फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जब ये गोपनीय जांच कराई गई थी उसके पश्चात जितने भी लोग संलिप्त थे उनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई गई थी और उसके पश्चात पुलिस द्वारा लगातार उनके यहाँ दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और शेष जो अभी बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तारी की जाएगी। विवेचन सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जो भी षड्यंत्रता जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं सभी को विवेचना में आच्छादित किया जाएगा और कड़ी विवेचना होगी, अच्छी विवेचना होगी और जितने भी लोग हैं उसमें सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के भी मिली भगत की भी अधिकारी जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अवैध संपत्ति इसके इस तरह के षड्यंत्र करके लोगों को परेशान करके किया अवैध संपत्ति की जाएगी वो सबको कुर्क भी किया जाएगा। सर गैंगस्टर लगाने की बात सामने आ रही थी कुछ ऐसा भी, जो विधिक प्राविधान है उसके अधीन काम किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाएगी, गैंगस्टर भी इनके खिलाफ लग सकते हैं। सर एक सवाल उठ रहा था कि कैसे इतना बड़ा खेल उजागर हुआ और कुछ स्टिंग भी करना पड़ा था, कुछ इसके बारे में बता दें। नहीं, हम लोगों ने गोपनीय जाँच कराई थी उसमें डिकॉय ऑपरेशन करवाया था और इसमें वीडियो में स्पष्ट रूप से उभर के आया है कि क्या इसके मोडस ऑपरेंडी क्या था और इसी तरह की कार्रवाई विभिन्न विभागों में जहां जनमानस का आवागमन रहता है, जनमानस को सेवाएं देने की बात होती है और निःशुल्क पारदर्शितापूर्ण सेवाएं देने में और शासन के जीरो टॉलरेंस और करप्शन के अधीन हम लोग काम कर रहे हैं। सर ऐसे अधिकारियों जो कर्मचारी जो मिली भगत वाले हैं उनको क्या आप सचेत करना चाहेंगे? नहीं, सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। लोगों को जनहित गारंटी अधिनियम के तहत जो निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सेवाएं देने हैं और पारदर्शितापूर्वक देना है, सभी को स्वामित्व लेना है, पूरी टीम को एक सेवा भाव के साथ काम करना है जैसे शासन की मंशा।